क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से जान बचाई, बड़ा हंगामा हो गया। कोर्ट कहाँ है? कोर्ट मैंने नीचे फेंक दी। नीचे फेंक दिया? हाँ, ये तुमने पूरा किया। अच्छा चलो, यही वो कमरा है। लाइट कहाँ है? कोर्ट? हाँ, भगो। हाँ भगो। हाँ हाँ, अरे कहाँ है तू? यहाँ वो क्या बात है, तीन तीन आए हैं। तीन तीन? ये कम क्यों आया? तगड़े हैं। अच्छा, इससे कितना है? क्या बात? कोर्ट कहाँ है? कोर्ट? हाँ भाई, लोग कोर्ट पूछ रहे हैं। देखिए साहब, इस नाके पे इस बार काश कोर्ट, उस और सामने फोर्ट के अंदर है हाई कोर्ट। समझे? कहा आपको एफिडेविट देना है साहब। हाँ, अच्छी तरह घर की तरह चलो। हाँ, चलो शायद मैं जेब भी देख लूं। कोर्ट कहीं नहीं है। जान पसीना हो पाए घर के बुजुर्ग में रहे। चुपचाप कोर्ट दे दो, वरना जान से मार डालूंगा। आप यकीन कीजिए, हमारे पास कोई कोर्ट वोट नहीं है। ठीक है भाई साहब, सच कहता हूँ, अगर गलती से आ भी जाता कोर्ट यहाँ पर, तो यह आपका पिस्तौल निकालने के पहले हम आपको वापस कर देते। आप नहीं जानते, आपके कोर्ट से ज्यादा कीमती हमारी जान है। जान से भैया? नहीं, कोर्ट से ज्यादा कीमती नहीं। अरे वाह, हम लोग बेकार, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। आप कोर्ट की क्या कीमत हो सकती है? 10,000 रुपया कीमत है उस कोर्ट की, समझे? सॉरी, पागल कहे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग पागल कहते हैं। सुना, कहते हैं कि 10,000 रुपए है कोई कीमत। 10,000।
मेरी क्यों खींचता यार? मेरी नजर कहाँ गई थी? अरे इधर कहीं होगी, देख ले। कमाल है यार, इधर पड़ी हुई। एक और दिखता है यार, किशोर। किशोर क्या? किशोर अभी ये वही 10,000 रुपए वाला कोट है। ये ये बाबरी, मैंने कहा था कि अगर मिल जाते तो कितना अच्छा होता। कुछ तो मत दिखाया यार। कौन दिखाता यार? फिर वो बात बतली ना, बतली आदमी नहीं रे भाई, ये तमीज वाला आदमी है। ले जी सरकार, ये आपका कोट। पागल, पागल समझ गया मैं, पागल बग्गू। हाँ गया। हाँ भैया, मुझे दाल में कुछ काला मालूम होता है। कैसे लिए? यार इस कोर्ट में जरूर कोई राज है। किशोर, वरना बार बार पिस्तौल नहीं निकलता। निकलता है क्या करें? आपका कोट सेठ जी। कोट तो बिल्कुल मामूली है सेठ जी, इसके लिए झगड़े क्या जरूरत थी? तुम नहीं जानते इसकी कीमत। लो ये अपने 10,000। आखिर इस कोट में ऐसी क्या बात है? इस कोट में, इस कोर्ट में 20 लाख हैं वीर सिंह। 20 लाख? 20 लाख? 20 लाख बंधु, बंधु भाव बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा। अबे 20 लाख कीमत नहीं होती तो सेठ खाली कोर्ट लाने के 10,000 रुपए क्यों देता? अबे 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 रोता क्यों? रोना तो और क्या करूं भैया, ये कोट अपने हाथ में आके वापस गया। अब भी मौका है, 10,000 इनको दिए हैं, 10,000 हम भी वसूल कर सकते हैं। वो कैसे? सेठ के पीछे लग जाओ। अच्छा? बात नहीं है, बात अब आ गई। ये लो तुम्हारा इनाम। कितने हैं? 1,000 तुम्हारे लिए बहुत है। अरे वाह, बहुत है? मरने के लिए हम और खाने के लिए तुम? पकड़े जाए तो फांसी हम करते। बिहारी जी, इन्हें जाना चाहिए। ड्राइवर, ड्राइवर गाड़ी रोको। तो तुम बग्गू? हाँ। और अगर हम तुम्हें कुछ न दे तो? अरे वाह, कुछ न दे तो हम गोली से तुम्हारी जान खींच के निकालेंगे। कि देखा है पिस्तौल? आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? उंगली निकालो जेब से। उंगली उंगली सीधा पे है, ये सच्चा पिस्तौल, सच्चा 800 रुपए का। हाँ
800 रुपए का? मैं कहता हूँ जेब से हाथ बाहर निकालो, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आपने पिस्तौल क्यों निकाला? ये उंगली आपने कैसे देखी भाई? उसने पहचान लिया। अबे पहचानेगा नहीं तो क्या, ये भी कोई तरीका है डराने का? अरे भाई तो उंगली की पिस्तौल दिखा है, तो दिखाओ इसे। क्या रहा है सर जी? सुनिए, आखिर इस कोर्ट में ऐसी क्या बात है जो इतने लोग पीछे पड़े हैं? तुम नहीं जानते, इस कोर्ट में 20 लाख रुपए हैं। 20 लाख? 20 लाख, तभी तो सब इसके पीछे पड़े हुए हैं। 20 लाख? कितनी देर में ठीक हो जाएगी गाड़ी? 10 मिनट में। अच्छा देखो, ठीक हो जाए तो मुझे बुला लेना। जी बहुत अच्छा। चाका पे मना उछल के चंदा का पे मना सोया लेके में जो मनाया जबाल माँ वो यही प्यार की है रात हो उछल के चंदा का पे मना सोया नशे में जो मनाया जबाल माँ वो यही प्यार की है रात हो उछल के चंदा का पे
क्या बात है? खामोश, बत्ती क्यों जला रखी? क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? बुझा दे बत्ती, बुझा दे। सुना तूने? ये क्यों रो रहा है? इसे चुप करा, इसे चुप करा, सुनती है? आखिर बात क्या है, कुछ कहोगे भी? पहले इसका मुंह बंद कर दे, वरना मैं इसका गला घोट दूंगा। पागल हो गए हो क्या? बच्चा भूख की वजह से रो रहा होगा। अब इन बच्चों के रोने का जमाना खत्म हो गया, अब हमारे तमाम दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये कोट देख रही है, ये कोट, इसमें 20 लाख रुपए हैं, इसमें 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख। 20 लाख? इतने रुपए कहां से आए? ये कोट किसका है? सेठ जी का। आज से नौकरी की मुसीबत खत्म हो गई। जिंदगी भर नौकरी करता तो भी इतना नहीं मिलता। तो तुमने चोरी की? इतने साल की नौकरी पे पानी फिर लिया? तू नहीं जानती अब मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है, अब मैं खुद दौलतमंद हूँ। मैं ऐसी दौलत पे 1000 बार लानत देती हूँ जो दूसरों से छीनी गई। आज तक तुमने जुए के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद की, अब चोरी की दौलत से इन मासूमों की जिंदगी भी तबाह करना चाहते हो? ये तू क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। अब तक रुपयों के लालच में तुम मुझे धोखा देते रहे और आज अपने मालिक को भी धोखा दे दिया। रुपए के लिए आदमी सब कुछ करता है, मैंने तो सिर्फ नौकरी गवा दी, लोग अपनी इज्जत भी गवा देते हैं। इज्जत बेचकर धनवान बनने से तो हमें अपनी गरीबी मुबारक। जो इज्जत इस गरीबी में है वो चुराई हुई दौलत में कहा? अगर मेरा नहीं तो कम से कम इन मासूम बच्चों का ख्याल करो और कोर्ट वापस कराओ। नहीं, ये नहीं हो, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि हाथ आई हुई दौलत गवा दूं। दरवाजा खोलो। कौन है? पुलिस। अब क्या करें? मैंने पहले कहा था कि कोर्ट वापस कर दो। जल्दी खोलो दरवाजा, नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। जल्दी खोलो, भागने की कोशिश न करना, याद रखना। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? अरे वाह, मोटे उड़ा ली। साथ साथ और पूछते हो कि क्या चाहिए तुम्हें? गांगुली साहब। यस। क्या किया जाए? इसे थाने ले चलो। चलो। नहीं नहीं नहीं, हल्ला साहब, आप इन्हें ले जाइए, यही तीस अंधेरे घर का उजाला है, इन्हीं के दम से तो हमारी जिंदगी है। आप इन्हें ले जाइए, आप इन्हें ले जाइए हल्ला साहब, मुझे ले जाइए, इनके मतलब मुझे ले जाइए हल्ला साहब, इनके सिवा इन नन्नपति को कोई सहारा नहीं हल्ला साहब। मगर इसने भी की है, इसे सजा मिलनी चाहिए, क्यों पालो? हाँ ठीक है, इसने का बड़ा कमर बताएंगे। मेरे मत पाओ पड़ो भाई, मेरे मत पाओ पड़ो। भगु, तू क्यों रो रहा है? अरे रो नहीं तो और क्या करूं भैया, मुझसे किसी अबला के आंसू नहीं देखे जाते क्या? तुझे रो रहे हैं तो हम इन्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं, वो कोर्ट हमें दे दे। पहले आप, पहले आप। मैं कोर्ट कहाँ है? ये रहा, आओ। दरवाजा लगा, दरवाजा लगा। बत्ती जला, बत्ती। अब उसको कहाँ रखेंगे? मेरे पास ला। रुपये बहुत हैं। मुझे मालूम है, इसीलिए कोर्ट मेरे पास ला। लेकिन बात तो सुन, तो ये को तो अभी तक रुपये नहीं मिले, लेकिन तेरी आंखें बदल गई। अरे भैया, 2 मिनट के मेरे पास दे, तू नहीं जानता
20 लाख की लुंगी अगर किसी मुर्दे को पहना दे तो वो भी जिंदा हो जाएगा। मैं तो जिंदा इंसान हूँ। दो मिनट दे। ऐसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तेरा दिमाग तो ठीक है दिमाग, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अच्छा मैं समझ रहा हूँ कुछ कर रहा है। कोई नहीं भाई, ये क्या मुसीबत। आ गया, आ गया। देख रहे हो क्या है ये? यानी कि दो लड़कियां। दो लड़कियां भैया, मुझे चार दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते। तो नमस्ते करता है, जानता है उनको? क्यों नमस्ते नहीं करता है? पहले पूछ तो ले। हाँ, 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 आपकी तारीफ। अरे क्या कह रहे हैं आप? मैं नहीं जानती थी कि आप इतने बदल जाएंगे। बग्गू क्या बात है? भैया ये बात क्या है, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आ रही है। तो मुझे उल्लू बनाता है? नहीं नहीं भैया, सच कहता हूँ, कसम खुदा के कहता हूँ कि जिंदगी में अभी तक कभी नहीं देखा था उनको। तो फिर ये लड़की तुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है? यही तो कमाल है बंधु, यही तो कमाल है। बुजुर्गों ने कहा है जब मुसीबत आती है तो अकेले नहीं आती है। देख रहा है, दो दो खड़ी हुई है। अब शुरू मुझसे होगी और खत्म तेरे पे होगी। तू देखते रहे, कहिए मैं आप क्या खिदमत कर सकता। दीदी ये कुछ दुबले हो गए ना? अरे अरे नजर क्यों लगाती हूँ, देखते नहीं आजकल तंदुरुस्ती कुछ अच्छी हो रही है। इसीलिए तो आपने हमारे खत का कोई जवाब नहीं दिया और न हमें लेने के लिए स्टेशन पर आए। मुझे आपसे बड़ी शिकायत है। जरूर होगी, मगर माफ कीजिए, एड्रेस जरा गलत हो गया। आप फिर से पढ़िए, हम गले मत पड़िए, फिर से पढ़िए। मुझे मालूम ना था कि आप इतनी जल्दी भूल जाएंगे। जब आप पुणे में थे तो रोज हमें कॉलेज से घर पहुंचाया करते थे। हाँ। लेकिन अब समझ गया, फिर ये पुणे की बात छोड़ दीजिए, अब मैं आपको कहाँ पहुंचा दूँ? ठीक कहीं नहीं। हाँ। बग्गू अपना क्या जाता है? हाँ। रहने दो। हाँ। दौलत के बाद ही तो औरत आती है। बंधु अगर तू है राजी तो फिर ये काजी क्या कर सकता है? बंधु ये तो ठीक है, मगर ये क्यों गमगीन है? ये तुझे बता रही है भाई। हमें कोई गम है, तुम्हें कोई गम है, मोहब्बत कर डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें भाई डर है, जो
यहाँ तो गम का साथ है, खुशी एक झूठी बात है। यहाँ तो गम का साथ है, खुशी एक झूठी बात है। उठा नजरों को बेखबर, अजब जलवों की रात है। उठा नजरों को बेखबर, अजब जलवों की रात है। पहली नजर में दिल में जिगर में जलवों का रंग भर ले। मुहब्बत कर डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें भाई डर है, हंसी होठों पे खो गई जवानी हमको रो गई। हंसी होठों पे खो गई जवानी हमको रो गई। बलम क्यों दूर जाए तू, मोहब्बत में है जिंदगी। बलम क्यों दूर जाए तू, मोहब्बत में है जिंदगी। पहली नजर में दिल में जिगर में जलवों का रंग भर ले। डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें भाई डर है, जरा कोई हमको थामना, छलक जाए गम का जामना। जरा कोई हमको थामना, छलक जाए गम का जामना। गनीमत है ये रात भी, है दिल से दिल का सामना। गनीमत है ये रात भी, है दिल से दिल का सामना। पहली नजर में दिल में जिगर में जलवों का रंग भर ले। मुहब्बत कर डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें भाई डर है, कहूँ क्या कैसी देर है, खुशी को दिल से बैर है। कहूँ क्या कैसी देर है, खुशी को दिल से बैर है। मुहब्बत क्या है बालमा, दिलों का हेर फेर है। मुहब्बत क्या है बालमा, दिलों का हेर फेर है। पहली नजर में दिल में जिगर में जलवों का रंग भर ले। मुहब्बत कर डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें कोई गम है, तुम्हें कोई गम है। मुहब्बत कर डरा नहीं डर, इसे कल की खबर है। हमें भाई डर है। मुझे तो नींद आ रही है। नींद आ रही है आप? जी मुझे भी नींद आ रही है। दीदी ये स्थिति देख तो सही, कोट कहाँ रखा है? वो तो जाग रहे हैं। कोशिश कर। मेरे सर के नीचे है। दर्द की लीजिए। तन 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 तन
बदतमीज बेवकूफ, तेरे कारण सब गड़बड़ है। अरे क्या हुआ बंधू? कुछ हुआ जरूर है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। देख रहा हूँ। हो, पेट्रोल खत्म हो गया है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, तो कोई बात नहीं, ये चला। अरे अरे, क्या 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 कर रहा है भैया? गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए गाड़ी जरा पीछे ले रहा हूँ। पीछे ले रहा हूँ। जब गाड़ी पीछे जा सकती है तो आगे भी जा सकती है। अरे हाँ यार, हाँ, अब क्या किया जाए। भाई दे चुका जो कुछ देना था, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? 20 लाख अकेले खा जाना चाहते हो? चौथे रुपया मेरे हवाले कर दो। जाने के 5 लाख? हाँ हाँ, 5 लाख। कुछ नहीं बिहारी जी, कोट ले लेना। खबरदार, अगर कोट लेना है तो 5 लाख रुपए लेके वहीं आना, क्या मुझे पहले रसोई होती रहती। चलो। तुम? हाँ मैं। क्यों कर गए? इसको डरने की क्या बात है? ठहराओ, मैं अपना हिस्सा लेने आया हूं। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल चुका, हट जा मेरे सामने से। वीर सिंह, मैं तुम्हारी चालबाजियों को खूब समझता हूं। वोट हासिल करने के लिए जान की बाजी मैंने लगाई और मजे तुम उड़ाओ। बुरा मानने की क्या बात है, ये तो अपना अपना नसीब है। आज मैं भी अपना नसीब बदलने आया हूं। अगर जान की खैर चाहते हो तो आधा हिस्सा मुझे दे दो। ये बात है जहरी, इन्हें आधा हिस्सा चाहिए। बहुत अच्छा, खबरदार क्या कोर्ट मेरे हवाले कर दो, वरना याद रखो, लाओ लाओ। बस पुलिस आने तक मुझे यही ठहरना होगा। तुम जाओ, 5,000 रुपए तिजोरी से ले आओ और तुम मेरे साथ आओ। आला वाला, भग्गू गाड़ी का नंबर याद है? बिल्कुल। क्या है बोल? हाँ, 2612BM। अरे ये तो अपनी गाड़ी का नंबर है, वो लड़कियों की गाड़ी का नंबर क्या है? लड़की का नंबर था, मैंने देखा इधर 2, इधर 5, 5 और 2। यार भूल गया मैं। ऐसा करे बंधु, जाकर टेलीफोन डायरेक्टरी में जाकर देखते हैं, नंबर मिल जाएगा। मिला टेलीफोन डायरेक्टरी में गाड़ियों का नंबर रहता है ना? हाँ यार, तो कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई, खामो खा के लिए बोर किया जाता है यार, समझ में नहीं आता है। भग्गू देख वही गाड़ी है। अरे वो नहीं यार, मैं कहता हूँ भैया है। अरे ये गाड़ी तो स्मृति शशि गाड़ी है, तो उन्हीं का तो हम पीछा कर रहे हैं। क्यों पीछा कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोर्ट है। हाँ, उनके पास कोर्ट कहाँ था? कोर्ट। अरे बाप रे, जल्दी
चलने गए नहीं तो क्या ठहरेंगे। अरे बुद्धू के बाद कोई किसी का साथ नहीं देता। चाची जी ने मुझे भेजा है। क्या बात है? उन्होंने कहा है आप जो कोट लाए वो मुझे और उसके बदले में 5,000 रुपए दिए। 5,000? जी हाँ, ये लीजिए। कोट कहाँ है? कोट वो पड़ा है। कहाँ है? उसके है कि इस कोट का दाम बहुत है, 5,000 से काम नहीं चलेगा। जी मगर चाची जी ने तो यही कहा था। वो क्या जाने, तो जो कुछ कहना है वो चाचा जी से कहना। चाचा से क्यों कहूं? क्यों फिर दोबारा धोखा देके भाग गई है ना? दूसरी कहाँ है? ऊपर, न जाने उस पर क्या बीत रही होगी। आप लोग कुछ मदद कीजिए ना। ओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक अबला की आवाज सुनकर हम ऊपर आए। अच्छा, तो फिर इसकी भी आवाज सुन दो। सुनाओ। ये भाई एक अबला की आवाज सुनकर हम ऊपर आए थे, मगर आपकी आवाज सुनकर आप तो जाओ। जाते हैं भाई, जाते हैं बिगड़ तक की वजह। जाओ ना। धिक्कार है तुम पर। एक मजबूर लड़की को मुसीबत में छोड़कर भाग रहे तुम, शर्म नहीं आती? बंधु, क्या ख्याल है? बंधु मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, मेरे हाथ पैर में दर्द है। अरे भैया वो कह रही है कि शर्म नहीं आती तुम्हें, क्या ख्याल है? शर्म आती आते है ना। तू बड़ा आगे मैं बोलूं हमसे कभी कभी आती है तो रात से जाते हो या नहीं? आप नहीं 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 जाओगे? हाँ। बंधु क्या ख्याल है? शुरू हो जाओ बंधु। अच्छा
क्या हुआ बेटा, कोर्ट मिला? चाचा जी, वो आदमी तो बदमाश निकला। अगर ये लोग हमारी आवाज सुन के वहां ना पहुंचते तो कोर्ट के बदले हमारी जान भी जाती और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। हाँ चाचा जी, ये लोग बहुत शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी? हाँ जी, ऐसा मालूम होता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ठीक कह रहे हैं आप, मैंने बाबू कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। भैया कहीं, माफ करना सेठ जी, उस वक्त हमारी हालत जरा नरम थी मगर अब जरा गरम है, अब पसीना आ रहा है। हाँ चाचा जी, कोर्ट हासिल करने में इन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। समझा समझा, देखने ही में ये लोग शरीफ मालूम होते हैं। हम किस काबिल है सेठ जी, यह आपकी बड़ी मेहरबानी है जो आप हमें शरीफ आदमी समझ रहे हैं। हाँ, कोर्ट कहाँ है? कोर्ट दो, कोर्ट कोर्ट, ये है कोर्ट चाचा जी। बड़ी मुश्किल हुई है, ये कोर्ट अपना तो नहीं है? नहीं चाचा जी, ये कोर्ट तो अपना ही है। नहीं बेटा, जिस कोर्ट के लिए हमने जान की बाजी लगा दी है उस कोर्ट को क्या हम पहचान भी नहीं सकते? ये बदला हुआ कोर्ट है बेटा। सिद्धि, आप जल्दी में देख रहे हैं, जरा आराम से देखिए, आराम से देखिए, जरा नजदीक का चश्मा लगाइए तो फिर मालूम होगा कि ये चश्मा नजदीक से ही देखने का है बेटा। मैं देख चुका, ये वो कोर्ट नहीं है। मुझे अफसोस है कि तुमने मेरी मदद जरूर की लेकिन जो कुछ मुझे चाहिए था वो न मिल सका। फिर भी तुमने मेरी बच्चियों की जान बचाई है इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारे लिए करूंगा। अरे सेठ साहब, जब असली कोर्ट ही नहीं मिला तो आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे? चलो भग्गू। हाँ चलो। मगर बेटा, ये बेकार कोर्ट अपने साथ कहां उठाए उठाए फिरोगे? अरे फेंको भी इसे फेंक दो। सेठ जी, इससे मैं बूट पॉलिश करूंगा, जमीन पोछूंगा, इसको जला जला के चूल्हा लगाऊंगा। इसने हमारी नींद खराब कर दी है, खाना खराब कर दिया, इसे फेंक दूं मैं। चलो भैया चलो। शशि बेटी, वो कोर्ट अपना ही है। फिर आप झूठ क्यों बोले चाचा जी? बोलना ही पड़ता है बेटा, दो आदमियों को पहले ही मालूम हो चुका है, वो अलग जान खाए हुए हैं। अगर इन्हें भी पता चल गया तो ये भी गले पड़ जाएंगे। मगर वो तो ऐसे आदमी नहीं है चाचा जी। मैं जानता हूँ कि वो अच्छे आदमी है, मगर बेटा पहले मैं भी तो जरा उन्हें आजमा लूं। अगर तुम्हारी तरह मैंने भी उन्हें अच्छा पाया तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। जाओ, पहले उनसे किसी तरह कोर्ट हासिल कर लो। मैं तो मर जाऊंगी।
देख लिया तेरा झूठी झूठी तू फस में ना खा ओ झूठी झूठी तू फस में ना खा ओ गोरी जाने दे दिल ना जला ओ गोरी जाने दे दिल ना जला निकाला हमें घर में बुला के चले हो कहाँ करके जी बेकरार चले हो कहाँ करके जी बेकरार देख लिया तेरा प्यार भूलने वाली देख लिया तेरा प्यार अगर ये सच है तो राजी है हम अगर ये सच है तो राजी है हम तू मेरी गोरी मैं तेरा बलम तू मेरी गोरी मैं तेरा बलम निकाला हमें घर में बुला के चले हो कहाँ करके जी बेकरार चले हो कहाँ करके जी बेकरार भूलने वाली देख लिया तेरा प्यार भूलने वाली देख लिया तेरा प्यार जाना था तो इतनी मदद क्यों की थी मदद की थी कोर्ट मिलने की उम्मीद पर नहीं मिला तो क्या करूँ तो मतलब मिल जाएगा को ढूंढने से आदमी को इस दुनिया में क्या नहीं मिल सकता अरे 50 बरस के बाद मिलने से क्या फायदा अगर इस मर्ज में मिलता तो मतलब ये है कि तुम यहाँ रहना नहीं चाहते रहना तो मैं चाहता हूँ मगर रहने का कोई नतीजा भी तो होना चाहिए परमात्मा किसी की मेहनत बर्बाद नहीं करता बेटा अगर तुम्हारे दिलों में हमारे लिए हमदर्दी का ख्याल है तो नतीजा भी अच्छा ही निकलेगा तुम यहाँ ठहरो कोशिश करो कोर्ट जरूर मिलेगा बेटा शशि ठहरने के लिए रूम बताओ मैं तुम आओ तुम भी आओ आओ ये आप लोगों के लिए कमरा है अच्छा पसंद आया क्या बात है और देखिए अगर आप लोगों को किसी चीज की जरूरत हो तो इस घंटी को बजा दीजिएगा नौकर आ जाएगा सुनिए तो कहिए कुछ नहीं बताइए ना कुछ भी नहीं ए भाई तुझे भी इसी वक्त आना था भैया वक्त नहीं पता चला कोई घड़ी नहीं मेरे पास है अच्छा मुझे दिया है उन्होंने ये तेरा नाइट का सूट और मेरा नाइट का सूट बदल लीजिए वक्त गड़बड़ चंदनों का अलग है पांडू तुझा ती खुर्ची घेऊंगी सगळी आणखी ए डोंडू ती तुझ्या ते टेबल उचलून आण सगळं चल टेबल घे आणि तू तिकडे जातो स्टँड आहे ना टेबल सुन घे त्या लवकर आणि ते हराम खुर्ची करून हराम खुर्ची ती ते सोडू नको बाबा ते पलंग कुठे आहे अरे हा ते बेडरूम मध्ये असेल ना जा बेडरूम वरून घेऊन ये
विष्णु को टेबल लैंप बने एक उपन जानी रास्ते औजारू वाला साहेब पलंगावर दोन माणसं झोपलेती. अरे पलंगावर ते माणसांना झोपेल तर काय जानवर लोक झोपेल. अरे पण ते माणसं लोक आला कुठूनची कुणाच ठाऊ. चल मला दाखव. ए तुम्ही लोक सामान जरा सांभाळून न्या जास्त तोडू नका. ए भाई साहब भाई लोग पेंशन लोग अरे उठो नहीं दिन का बारह बजे कर सोता है कैसा क्या बात है यार. ये बात और कुछ नहीं चलो सामान उठाने के सामान उठाने का एक किशोर सामान उठाने का उठो सामान उठाने का. हाँ कौन हो तुम तुमको अंदर किसने आने दिया. दरवाजा खुला रहो अंदर आए पर पहले तम बताओ तम लोग कौन है थे. हम लोग कौन है थे. हाँ क्या बात करता है यार हम लोग सेठ के जमाई है. वो समझा गए. ए बाबा जमाई का मतलब होता है दामाद. ए दामाद का मतलब है कि सरिंडो नहीं. ते सुनो सरिंडो ते मेरे फादर लॉ ने दोनों का मिला के वो तो कब्ज का चले गए. ले चले गया कहाँ चला गया. देखिए अमेरिका के एड्रेस लिख के गया किलो जाता करके. अरे तुम लोग मेहरबानी से काम करो तुम लोग भी चलो. चलो निकलो. बात ये है चलो चलो बात कुछ नहीं है चलो. ते पांडू चल सामने उछल बंधु. वो चले था क्यों चले क्यों गए. लो कपड़े भी ले गए. अरे कोट भी ले. यार अगर उन्हें जाना था तो ये बेकार कोट क्यों ले गए. बंधु ये क्या मुसीबत किसको बुला रही है. पता नहीं. अगर तुझे पता नहीं तो मुझे कहां से पता मिलने वाला है. चल भी कोशिश करता हूं. ये भाई मैं बच्चा तुम मर गया क्या. तुझे बुला रही हूं. कहिए बाबूजी. बाई ने चिट्ठी दी है कहा था जब उठेंगे तो दे देना. आपको जल्दी बुलाया है. हाँ जल्दी बुलाया है जी. हाँ. चलो किशोर. अरे मगर कहाँ. अरे सुना नहीं बाई ने जल्दी बुलाया है. मगर जमीन पर बुला रही है आसमान पर बुला रही है कुछ पता तो चले. हाँ यार सुनिए. सुनाइए. पता उसमें लिखा हुआ है बाबूजी. उन्होंने कहा है आप हवाई जहाज से चले आइए. आप समझते होंगे कि हमने आपको धोखा दिया है मगर सच जानिए हमें कुछ पता ही नहीं था. चाचा जी ने अचानक यहाँ से जाने का प्रोग्राम बना दिया. अगर आपको कुछ भी मेरा ख्याल हो तो नीचे लिखे हुए पते पर मुझसे आकर मिलिए. हाँ ठीक है बंधु बिल्कुल ठीक है. पीछे सोचने क्या बात है. अरे मगर हवाई जहाज से जाने के लिए किराया कहाँ से लाएंगे. हाँ यार किराया. किराया. हाँ किराया तो देकर गई है बाबूजी. ये लीजिए. अरे बड़ी समझदार है बहुत ही समझदार है बंधु बहुत समझदार है. जरा देख तो पता क्या लिखा है. ये तो वो समंदर पार का मालूम होता है. अरे समंदर पार का नहीं मद्रास का पता है. मद्रास का. तो आप मद्रास पहुंच गए. आइए जो तुम आ गई क्या जी. आओ जी कितना वेट करे तो आज सवेरे मॉर्निंग को यरा ड्रम गए वहाँ तुम्हें दिक्कत नहीं ना. नायडू साहब मुझे जरा हार्ट ट्रबल है ना इसलिए हवाई जहाज से नहीं आए हम ट्रेन से आए. वेरी गुड वेरी गुड. अरे मुत्तु अंद पेटी उल्ले कोंडवा. चलो ना जी अंदर को चलो. आओ बंधु. हाँ ये तो बड़ी मुश्किल हो गई. हाँ अब क्या किया जाए. अरे भैया जब यहाँ आए हैं तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा. ये सोचो कि
इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। आज अच्छे टाइम में आया सो तुम्हें, आज मेरे वाइफ का बर्थडे है सो। वाह, आज नाच गाने का बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना। अच्छा हाँ जी है, और अयो तुम्हें खड़े क्या जी, बैठो ना जी। உள்ள வேலையில அப்படியே கிடக்கு, நீங்க காத்த உட்காந்துருக்க. அம்மா எனக்கு வயசாயிடுச்சு, ராத்திரி எல்லாம் மாடு போல ஒழிச்சாச்சு. தினம் நாலு வேலை திங்கிறிய, வேலை செய்ய மாதிரி வயசாயிட்டுதா? அம்மா இன்னைக்கு உங்க பிறந்த நாள், என் ஒருத்தனால எவ்வளவு வேலை செய்ய முடியும்? ஏண்டா நீ சம்பளம் வாங்கல, அவ்வளவு வேலை நீதான் செய்தாகணும். இஷ்டமா இருந்தா இரு, கஷ்டமா இருந்தா போயிடு. நான் போயிட்டா எந்த பையன் வந்து இங்க ஒழுங்கோட வேலை செய்யலாம் பாருங்க. அம்மா நமக்கு ரெண்டு பொருக்கு வே வேணும் இருக்கா? அம்மா பாத்துக்கோ, வேலைக்கு ஆடு தயாரா இருக்கு. என்ன சொல்றேன், போறதுனா இப்போ போயிடு. இத்தனை நாள் ஒழிச்சதுக்குதான் பலன், கடவுள் தான் பார்த்துக்குவாரு. என் வயிற்று அடிச்சீங்கடா, நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? இந்தாப்பா உங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு மாசம் அஞ்சு ரூபாய் சம்பளம், வேலையெல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும். சம்பளமா சரி பந்து, कहाँ फंस गया यार? अगर इस बुढ़िया मुझसे कुछ पूछ लिया तो किस बोली में जवाब दूंगा? बंधु ये जबान इतनी आसान है, इतनी आसान है कि पूछ नहीं। इसने तुझे पूछा क्या तो कह देना आमा। अम्मा अम्मा नहीं अम्मा का मामा। सही है, मुझे वाली बंगो। सही अम्मा दबा ये बा उन पैर है ना? அம்மா உன் பேர் என்ன? சரி உன் பேர் என்னப்பா? அம்மா என்ன பைத்தியமா இருக்க? சரி என்ன என்ன பைத்தியமா இருக்கியா? அம்மா 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 எவ்வளவு என்ன வேணும் என்ன வேணும்? அவன் பேர் என்ன கேக்குறேன். இவர பேரு கோபாலசாமி, நான் கிருஷ்ணசாமி. என்ன வேணும் அம்மா? சரி இங்க வா. कुछ नहीं, तो सामी अय्यर को नागेंद्र को मैं अकेला क्या करूँ जी, सबको बुलाना है तो बड़ा प्रोग्राम है ना। तुम क्या करो? क्या सुबह मॉर्निंग में बैठ को ये प्रोग्राम बनाएंगे जी। जाने जिगर तुम चले हो किधर, तेरे मेरे प्यार का लंबा है सफर। जाने जिगर तुम चले हो किधर, तेरे मेरे प्यार का लंबा है सफर। जाने जिगर तुम चले हो किधर। इंतजार का लंबा है सफर, जाने जिगर
तो मद्रास से आगे जाने वाला मालूम होता है। यही तो मैं भी सोच रहा भैया, ना पहिए है ना इंजन है, फिर भाग रहा है। भैया मेरा ख्याल है सेठ से कह दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यार जब तू राय देता है तो लटकाने वाली राय देता है ना। स्मृति, शशि, स्मृति, बैग में, बैग कहाँ? यही था चाचा जी। यहाँ था? कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी, स्वामी, गोपाल स्वामी। लो, वो हमें पुकार रहा है। अबे, मुझे कहाँ है मुझे? मुझे क्या? अमी, वाल। ए, नायडू साहब कहाँ? आम है। नायडू साहब इंगे इल्ले। क्या मतलब? नायडू साहब ये नहीं है जी। नहीं है? ओ, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा जी। शट अप। जलमणवा, जबान के साथ साथ मूछें भी बदल गई। मुझे बदल बदल मुझे बदल गई नहीं। अबे मुझे बदल गई, बदल गई। आप ठीक है? बहाना छोड़ दो, मैं तुम दोनों को पहचान गया हूं। आगे क्यों आ रहे हैं आप? मुझे क्या टकर रहा है? अच्छा हुआ किशोर तुम मिल गए। नायडू मेरा कोट लेकर भाग गया है, मेरी मदद करो बेटा। मैं तुम लोगों से बड़ा शर्मिंदा हूँ। सेठ जी, आप तो खाली शर्मिंदा होकर रहेंगे, आप नहीं जानते हमारा बहुत नुकसान हो गया। क्यों बंधु? बिल्कुल, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। एक बार मदद की तो बंबई से मद्रास आना पड़ा, अब क्या काले पानी भेजना है? तुम भी जानते बेटा, उस कोर्ट के लिए मैंने अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर वो कोर्ट मिल गया तो जो तुम कहोगे वही होगा। क्या ख्याल है भग्गू? ठीक है बंधु, ठीक है बंधु। शाबाश, बस जल्दी से कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ। निकालो सब, निकालो सब, निकालो। तुम स्टेशन जाकर नायडू को तलाश करो, उसे निकलने मत देना। हम अभी आते हैं, जल्दी करो। और सुनो, मैंने कहा था ना कि वो जरूर आएंगी, वो भी तो साथ में हैं। देखो बेटा, तुम दोनों भी जल्दी से तैयार हो जाओ, खबर आते ही हमें यहाँ से निकलना होगा। अच्छा। अब कहाँ जा रहे थे? कौन बस्ती जी तुम्हारा? मेरा नाम नायडू, एडवोकेट। आपका नाम जी? आप क्या काम करते सर?
चुप क्यों जी? बोल से क्यों नहीं जी? आज बोलो जी, कोई बात करो जी, आज कोई तो भी बात करो जी मेरे साथ है। आज तुम्हें बात नहीं करेंगे तो मैं दीवाना हो जाऊंगा जी। कभी कभी पागलपन दौरा पड़ता है समझे, इसलिए इनको जरा बड़े हस्पताल ले जा रहे हैं। अच्छा, देखते नहीं कैसे हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल मत घबराओ, अगर कोई जरूरत पड़े फौरन मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा। बैठो आराम। ठीक है ना? ठीक है। अजमाशर साहब, हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। दिल दिया दौलत को ऐ इंसान, तूने क्या किया, भूल बैठा प्यार को नादान, तूने क्या किया। आँखों को मिला यार से, आँखों को मिला यार से, पीने का मजा ले। आँखों को मिला यार से, पीने का मजा ले। अरे मिट कर किसी दिलदार पे जीने का मजा ले, मिट कर किसी दिलदार पे जीने का मजा ले। दौलत की हवस छोड़ कहीं प्यार में खो जा, और जलवों की बरसात में हस्ती को डुबो जा। फिर अरे फिर झूम के, हाँ फिर झूम के सावन के महीने का मजा ले, फिर झूम के सावन के महीने का मजा ले। आहे आँखों को मिला यार से, पीने का मजा ले, मिट कर किसी दिलदार पे जीने का मजा ले। गाफिल कभी पैसे के तू नजदीक न जाना, खंजर है ये खंजर को गले से
न लगाना ये जिंदगी दो दिन की है ये जिंदगी दो दिन की है जीने का मजा ले ये जिंदगी दो दिन की है जीने का मजा ले आंखों को मिला यार से पीने का मजा ले मिट कर किसी दिलदार पे जीने का मजा ले बुझा ले तुझ गल की दौलत से चला प्यास बुझा ले तुझ गल की बह जा कहीं मौजों में किसी मस्त नजर की प्यासा है तो इस मौज से अरे प्यासा है तो इस मौज से पीने का मजा ले प्यासा है तो इस मौज से पीने का मजा ले मिट कर किसी दिलदार पे जीने का मजा ले आंखों को मिला यार से पीने का मजा ले आहे आंखों को मिला यार से पीने का मजा ले अयो क्या बात तुम गाते हो सर निकलने के सुरा कितने अच्छे है जी तुम्हारा गाना सुन तो मेरा आत्मा ठंडा हुआ अरे नायडू साहब अभी तो आपका आत्मा और ठंडा कर देगा जी क्या धंधा करते पता नहीं वाह साहब वाली जी सुन अरे वाह हाँ जी हाँ जी साहब अजी साहब ऑटो स्टेशन आ गया कौन सा स्टेशन है भाई हावड़ा 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 लगो लगो नायडू नायडू लगो दोनों गायब ए भगु अरे उठ यार अरे उठ क्या हो अरे हावड़ा आ गया अरे यहाँ क्यों उठ रहे हैं भाई हमें जाना है कलकत्ता अरे कलकत्ते का नाम है हावड़ा तो हम लोग पहुंच गए हाँ पहुंच गए नायडू साहब किधर है नायडू साहब चले गए बंधु तो मतलब ये है कि नायडू साहब पान खिला चुना लगा के चल बसे तो पता भी तो मालूम नहीं है अरे बंधु पता मुझे याद है कुछ कुछ वो कह रहे थे फोन पे है कि नंबर था कुछ वन टू थ्री फोर फोर फाइव 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 ये से कुल निकाल दिया फोर को निकाल दिया बाकी रहे टू थ्री उसका नाम है उसका नाम है नाम नहीं सरनेम 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 हाँ सरनेम बोल गया सरनेम सरनेम घोष क्या नाम बॉस बॉस घोष का भाई बॉस नहीं यार भाई बोलो सॉरी चटर्जी मिला जी मिली लेकिन चटर नहीं है नहीं है नहीं है जी बराबर है लेकिन चटर नहीं है तो फिर क्या होता मुखर्जी साहब बैनर्जी तो नहीं अरे बैनर्जी बैनर्जी मुझे पता तो नहीं मालूम है तो फिर कैसे कह दिया आप मुखर्जी और चटर्जी कह रहे थे तो इसकी वजह से मैं बैनर्जी का अरे क्या बात है साहब साहब ये किधर गया अरे यार उसका दे सर थैंक यू बेटी तुमने वो कोट संभाल कर रखा है ना मैंने अपने कबाड़ में रखा है अयो
जरा ताला मार को बंदोबस्त में रखने को बोलो जी। नायडू तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, तुमने तो आज कमाल किया है। आज तुमने जो काम किया है ना, वो दूसरे का बॉस का एकदम नहीं है। अयो ये कुछ नहीं जी, अभी आगे आगे देखो ना जी मेरे कमाला। दर्शन कब दोगे बोलो ना, मन हर सावरिया, मन हर सावरिया, दर्शन कब दोगे बोलो ना, मन हर सावरिया, मन हर सावरिया। हमसे भगवन काहे दियो बिसराए, काहे दियो बिसराए। भूल हुई क्या हमसे भगवन काहे दियो बिसराए, काहे दियो बिसराए। तुमरी लगन में जीवन हमरा, तुमरी लगन में जीवन हमरा, पग पग ठोकर खाए, पग पग ठोकर खाए, पग पग ठोकर खाए। कब हमसे मिलोगे बोलो ना, मन हर सावरिया, मन हर सावरिया। आपने एक ही जाने ना इन्हीं गुरुदेव, मगर हमने तो आपको पहचान लोगी बेटी, पहचान लोगी। गुरुदेव ने अटल समाधि ली है, मैं आज उनकी जगह पर आया हूँ। गुरुदेव धन्य है, गुरुदेव धन्य है, गुरुदेव धन्य है। जीते रहो बेटा, जीती रहो बेटी। महाराज तुम खड़ा खड़ा क्या मुंह काटता है, नमस्कार करो गुरुदेव को, नमस्कार। पाँव का पाँव का मेरे नहीं, पहले इनके इनके। बेटा तेरा नाम नायडू है? नायडू? अयो तुम नाम, मेरा नाम कैसा खबर दी? मालूम है बेटा, तेरा तस्वीर खुलने वाला है। गड़बड़े गुरुदेव, इनको तो नहीं पहचाना। पहचान लोगे बच्चा, पहचान लोगे। आप जब समाधि लेंगे तो तुम मुझे भी पहचान लोगे। कौन दो चलिए महाराज, कौन दो चलिए। चलिए हम, हरे 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 हरे। हाँ माँ, गुरुदेव मिट्टी खावे ना, उनको मीठा पसंद नहीं है, इनके लिए जरा पूरी भाजी ले आइए, लाइए। अच्छा हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम। आओ राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राम राम, हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण। महाराज महाराज महाराज, माँ गुरुदेव का आज व्रत, आज पूछ रहे खाएंगे, लाइए। अब देखिए
आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी मिला के लस्सी बनाकर एक गिलास महाराज को पी जा दीजिए ताकि आज का दिन शांति से जाएंगे। अच्छा, क्यों महाराज? हाँ बेटा, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। आखिर मैं आपका चेला हूँ महाराज। खैर बेटा, कम से कम पानी तो पीने देता। महाराज आज आपका मंगलवार। मंगलवार है? हरे मंगल हरे मंगल, हरे मंगल हरे मंगल, हरे मंगल हरे मंगल, हरे मंगल हरे मंगल। है कि हमको वहाँ पहुँचने के लिए 5,600 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। हाँ जाइयो, कोई बात नहीं जी, ये तो मामूली खर्चा है सो। आज के नसीब अच्छे हुए ना, 20 लाख रुपए मिलते सो। 20 लाख? मेरा मन जो कहता था। है क्या कह रहा था तेरा मन? महाराज बोल बोल। अरे 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 किशोर किशोर बेटे। हाँ। तू समझती कि मैं इस घड़ी तेरे पास क्यों आया हूँ? मैं सब जानती हूँ महाराज, ये जगमगाती हुई रात, ये कमरा और मैं। ऐसी बात न कर बेटा, ऐसी बात न कर। मैं सब समझता हूँ कि तेरे मन में कौन सा तूफान उठ रहा है। ये मन की भूल है, मनोकामना को सुला दे, ईश्वर का प्रेम जगा बेटा, तेरा कल्याण होगा। ठीक है भगवान, ठीक है। लेकिन महाराज। बस भूल को भगवान क्षमा करते हैं, और परमात्मा को याद करने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं होती। ठीक है भगवान। ठीक है बेटा। सुन लिया देवी, पान क्या कहते हैं? धन्य है महाराज, मैंने सुन लिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं पाप की दलदल में फंस रही थी, आपने मुझे बचा लिया। अरे ये क्या कर रहा है? नहीं बेटी, तू नहीं धस रही थी, ये उस काले कोट की कारस्तानी है जो आज इस घर में आया है, और पता नहीं कल सुबह तक इस घर का क्या कुछ होने वाला है। फिर वही बात। समझी बेटी? समझ गई महाराज, जब से कोट इस घर में आया है एक नौकर भाग गया। गांव से माँ का तार आया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, सचमुच ये कोट बहुत अशुभ है। हाँ बेटी, उस कोट के पीछे 2 चुड़ैलें, 1 ब्रह्म राक्षस और 15 छोटे छोटे राक्षस लगे हुए हैं। महाराज। हाँ बेटी, उसे जला दे, भाग कर फेंक दे, मगर उसे इस घर में न रख। और अगर तुझसे न हो सके तो वो कोट मुझे ला कर दे, मैं उन सबको जला कर भस्म कर दूंगा। अरे वाह ये गुरु जी, तुमने तो कमाल कर दिया। लिखिए महाराज, यही है ना? हाँ यही है, यही है। आंखें बंद कर, अब मैं तुझे इस कोट का चमत्कार दिखाता हूँ। बोल कमाल किया तुमने, अब की तो इस कोट का मिलना बहुत ही मुश्किल था। मैंने कोई कमाल नहीं किया चाचा जी, सारी तरकीब तो भगवा की थी। भगवा की? मगर वो है कहाँ? नीचे है, अपनी असली सूरत में आ रहा है। अच्छा है? क्या हो रहा है? असली पे आ रहा था, आता आप जी। भेज तो खूब बदला था, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। सच? अजी रूखी सूखी तारीफ से क्या होता है, अगर कोई सच्चे दिल से तारीफ करे तो मैं जमीन और आसमान यज्ञ कर दूं। अच्छा, तो अब तक तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला? अजी रोना तो इसी बार के जिसके लिए इतनी मुसीबत उतार रहे हैं उसको खबर तक नहीं। आपको भी कुछ तकलीफ है? जी हाँ। तेरे तीरे
सुनते ही तेरा सनम मैं दीवाना हुआ तुझको दिल में बसाए हुए एक जमाना हुआ खबर है न दिल का पता तेरी बातों ने कैसा ये जादू किया डाल कर एक नजर छीना मेरा अजगर तूने ओ दिल रूबा नाम सुनते ही तेरा सनम मैं दीवाना हुआ तेरे तीरे नजर का बलम दिल निशाना हुआ नाम सुनते ही तेरा सनम मैं दीवाना हुआ तुझको दिल में बसाए हुए एक जा हुआ तेरे तीरे नजर का बलम दिल निशाना हुआ तेरे मेरे मोहब्बत का यार एक फसाना हुआ ये क्या हुआ सुनिए आप तो बिल्कुल हीरो बन गए अगर इसी तरह कहना है तो चाचा जी से क्यों नहीं कहते ओहो अगर मैं चाचा जी से पूछूंगा तो जानती हूँ क्या जवाब देंगे क्या जवाब देंगे अबे जा बे बड़ा आया शादी करने वाला झोपड़ी में रह के महलों के ख्वाब देखता है बे मैं तुझसे अपनी बिटिया की शादी हरगिज नहीं करूंगा निकल जा मेरे घर से इंग्लिश में बोलता हूँ यू कांट मैरी माई डॉटर अंडरस्टैंड ऐसा कहेंगे चाचा जी अब एक लंबे सफर पर जा रहे हैं चलो चलो चलो
चाचा जी छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो, मुझे क्यों बचा लिया मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं चाचा? मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं अब नहीं चाहता कि अपनी जिल्लत अपनी आंखों से देखूं। कैसी जिल्लत? भैया के मरने के बाद मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, अपनी औलाद की तरह तुम्हारी देखभाल, और तुमने मुझे उसका ये बदला दिया। कोई किसी के साथ गाना गाती, कोई किसी के साथ बातें करती, इससे तो अच्छा होता कि मुझे मौत ही आ जाती। मगर आपने उन्हें वचन दिया था चाचा जी, वो अपनी जान पर खेल के कोट ला चुके हैं, आपकी बारी है वचन पूरा करने। वचन? मेरा वचन तुम्हारी भलाई से बढ़कर नहीं। अगर मैं उन्हें लालच न देता तो वो कोर्ट जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था वापस कैसे देते? आप पहले भी उन्हें धोखे में रखकर बंबई से मद्रास चले आए थे। अगर उन्हें हमारा ख्याल न होता और सिर्फ कोर्ट का ही लालच होता तो वो बंबई से मद्रास क्यों आते? क्या? तो अब मैं तुम्हारी नजरों में धोखेबाज भी ठहरा? इससे बढ़कर मेरी और क्या जिल्लत होगी? मैंने तुम्हारी आई के लिए इस बुढ़ापे में दुनिया भर की ठोकरें खाई और तुम मुझे झूठा समझती हो। मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि तुम गुंडों के हाथों में न पड़ो। अगर तुम ये समझती हो कि मुझे तुम्हारी दौलत का लालच है तो ये लो अपना कोट। चाचा जी ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों अपनी जान दे रहे हैं? बस मुझे मर जाने दो। नहीं, आपकी सेवा इस दुनिया में हमारा और कौन है चाचा जी? आपसे बढ़कर हमारी भलाई चाहने वाला और कौन होगा? अगर उन्हें वाकई तुमसे मोहब्बत है तो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे, तब मैं समझूंगा कि वो तुम्हारी दौलत से प्यार नहीं करते, तुमसे मोहब्बत है। अब जैसा तुम कहोगी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें क्या करना चाहिए चाचा जी? बस जल्दी जल्दी सामान बांध लो। अच्छा चलो स्वीटी। किशोर चाचा जी चल बसे। क्या बकता यार? अरे देखता नहीं बंधु, वो चादर ओढ़ के चल बसे हैं। अरे चाचा जाना तो जाइए, हम तुम्हें कभी नहीं रोकते, लेकिन कम से कम अपना वादा तो पूरा कर दे। अरे तुम्हें ऐसे ही चला गए किशोर। ठहरिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं जरा मरीज की तो देख लूं। आप देखने से क्या फायदा डॉक्टर साहब, जहाँ चद्दर ओढ़ी गई उसके बाल चक पर उठ सकता है। अब आप क्या मजाक है? आदमी की जगह तकिए है? कैसे तकिए? बंधु मैं समझ गया। क्या? मैं समझ गया, चाचा ने तीसरी बार हमारे मुंह गया है, समझे? खैर कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, जब मरीज ही नहीं है तो फिस गाय की आपको बेवकूफ, मतलब ये है कि हम बेवकूफ बनकर आपको ले आए, माफी चाहते हैं। आपकी जो फी है आप ले लीजिए, ये 10 रुपये, ये तो पूरी फीस, अगर आधे फीस में मानवल हो सकती है। अच्छा दे दो, थैंक यू। थैंक यू सर, 5 बज गए। हाँ बंधु, मालूम होता है उस मोटर से मजबूती। अबे शशि और स्मृति यहाँ कहाँ, वो तो सात समुद्र पार जाने की तैयारी कर रही है। सात समुद्र पार? हाँ, हवाई जहाज से उड़कर जा रही है। तू कैसे मालूम? मैंने अभी एरोड्रोम में फोन जो किया। अच्छा हाँ, क्या किया जाए? क्या किया जाए? पीछा करो, यानी कि चलो।
हमारे दीवाने खास में पहुंचा दो। सुनो तो, क्या तुम बता सकती हो दीवाने खास कहाँ है? क्यों, हमें उन नए मेहमानों से मिलना है। आप उनसे नहीं मिल सकती। क्यों, क्या दीवाने खास में जाने की इजाजत नहीं? जी हाँ, वो इस वक्त ऐसी जगह पे है जहाँ उनसे कोई नहीं मिल सकता। क्या मतलब, कहाँ है वो? कैद खाने में। भाईजान, आपसे गलती हुई है। दरअसल मलिक साहब ने दीवाने खास के बारे में बताया था। हाँ, और आप लोग हमें जेल खाने में ले आए। यही तो आपकी खुशनसीबी है। अरे कमाल करते, कैसी खुशनसीबी? क्यों जी, ये ठीक है, मलिक साहब जिससे ज्यादा खुश हो जाते हैं उसे यही भेज देते हैं। अरे कमाल है, ज्यादा खुश होने के बाद यहाँ भेज देते हैं। मलिक साहब से कह दीजिए कि हमें ये जगह पसंद नहीं है। कहाँ जा रहे हो? भागने की कोशिश की तो जान से मारे जाओगे। चलो अंदर। मन कर लो। चाचा जी, ये आपने क्या कर दिया? क्यों, क्या हुआ बेटा? किशोर और भक्को को दीवाने खास के बजाय जेल में क्यों भेज दिया है? जेल में? कि तुम्हें कैसे मालूम? चाचा जी, हमें बहलाने की कोशिश ना कीजिए, मगर ये उनके साथ नाइंसाफी है। तुम नहीं जानती बेटी, बाज औकात मजबूरी की वजह से ऐसा करना पड़ता है। ये कैसी मजबूरी है, कहाँ का इंसाफ है? जो लोग हमारी मदद की खातिर अपनी जान पर खेल जाए, उन्हीं को आप इस तरह कैद कर दें? बेटी, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम्हें नहीं मालूम लोग किस तरह हमारी दौलत पर नजरें जमाए बैठे। लेकिन किशोर और भग्गू तो उन लोगों में से नहीं है चाचा जी, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। बेटी, शराफत किसी की पेशानी पर तो लिखी नहीं होती। हम किसी के दिल का भेद क्या जाने। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो दोनों बेगुनाह हैं। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है बेटी, मगर इस वक्त आपकी आंखें धोखा खा रही है। जी हाँ, हमें खुद अपनी भलाई बुराई सोचने दीजिए। मगर मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे होते हुए तुम कोई फैसला नहीं कर सकती। आपकी बातों में आकर ही तो हमें देश देश की खाक छानी पड़ी। हमने आप पर हमेशा भरोसा किया, मगर आपने हमें कभी चैन नहीं लेने दिया। तो तुम मुझे इतना बुरा समझती हो? क्या मैं तुम्हारी हिफाजत का जिम्मेदार नहीं हूँ? आप फिक्र न करें, हम अपनी हिफाजत आप कर लेंगे। जी हाँ, अगर ठोकरे ही नसीब में लिखी है तो यही सही, मगर हम आपकी चालों में नहीं आएंगे। खामोश, इन्हें इनके कमरे में पहुंचा दो और इन पर कड़ी नजर रखो। चाचा जी, और इन्हें विस्की, ब्रांडी या कुछ है? बंदो, ये तो पकड़वाने की बात कर रहा है। हाँ यार,
सुनिए। तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, देखता नहीं हुजूरे हकदस हकदस जमाले फुरकत फुरकत कमाले हलकत हलकत। देखिए आसानी है, हम शराब नहीं पीते पीते, इसलिए हमें कोई शराब नहीं। शरबत बुलाइए। शरबत? जी हाँ। तू? मैं भी पीऊंगा। दो शरबत। तो मैं तुम्हें रूहे अरके हफ्जा पिलाता। नहीं समझे? तू? अरबे हुलूक सा पिलाता। अब समझ गया बंधु, ये कोई जुल्लाब की दवा मालूम होती है। क्या बकता यार, सच कहता भैया, वो कह रहा था कि आउदी उदी हैजा। नहीं हैजा नहीं, अरबे उल्लू आप। इतनी तकलीफ होने वाली है तो कोई बात नहीं, ये कुछ रख रहा है भाई। किशोर ट्रे भी है उसके पास। यही है हर के रूहे हुलूस, पियोगे मस्त हो जाओ। अच्छा ये लो ग्लास। ग्लास लो, एक तुम भी लो। ठंडा कर रहे हो? करो ठंडा। पियो पियो बंधु, किस मुसीबत में आके फंस गए? चुपचाप पी ले वरना बिगड़ जाएगा। मैं तो नहीं पीता। सचमुच अच्छा है। अरे शरबत तुम लोगों को कैसा लगा? अरे वाह साहब, जवाब नहीं। अजी ये रूए हफ्जा क्या है, तरोबतर हो गए हम तो कभी के। अच्छा ये तो बता, तुम्हें मौसीकी से शौक है? मौसीकी? मौसीकी? अरे भैया गाने बजाने को कहते हैं मौसीकी। ओ साहब बहुत शौक है, बहुत शौक है, लेकिन क्या करे साज नहीं होने से मजबूर है। नहीं 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 नहीं, हमारी जन्नत में मजबूरी है ही नहीं, जो चाहिए मिल सकता है, बाजे चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप, लाइए जो कुछ सामान आपके पास कुछ होगा। भैया कैसे बजाते हैं तुम जी? हाँ जी हाँ। ये तुम भी ना। मालूम होती है। शुरू हो जाओ। हाँ क्या मालूम होता है? तू तू देगा किशोर, कोई जादू मालूम होती है इसमें। बंधु कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर ही बज रहा है। बजाए जाओ बंधु, बजाए जाए। कोशिश करते हैं। रेडी? एक दो
मुझे नहीं देंगे। किशोर अब तो सच मालूम होता है कि हम लोग जन्नत में हैं। अरे वाह रे मलिक साहब। मलिक, इस कच्चा कमीने का नाम किसने लिया? बताओ उसका नाम किसने लिया? मैंने जिसने लिया। मैंने कहा था। तुमने? मेरा गला क्यों घोट रहे हैं? मैं सिर्फ नाम मलिक मलिक साहब का लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंधु कमाल है। अरे कमाल क्या, जवाब नहीं चाचा का। देख तो बंधु, अभी अभी ऊपर था, हमसे पहले नीचे आके बैठ भी गया। कहां से तशरीफ ला रहे हैं आप हजरात? सुनो भाई को। चाचा जी आपको तो सब कुछ पता है। हम सब जानते हैं। अजी आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? दुनिया भर की खुशामदें करवाई, बंबई से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता, कलकत्ते से यहाँ तक दौड़ाया, झूठे वादे भी करते रहे। अच्छा तो गोया आप लोग भी उस फरेबी के चक्कर में आ गए हैं। अजी हजरत, जो अपने सगे भाई का न हुआ वो भला आप लोगों का क्या होता? जी जी, मगर हम आपका मतलब नहीं समझे। गालिबन आप हमें पहचानने में गलती फरमा रहे हैं। हम ज्वाला प्रसाद नहीं हैं, हम हैं उसके छोटे भाई बद्री प्रसाद। जी जी जी, जरा सुनिए जी, ये आप एक ही तरह के कितने भाई हैं, जरा समझा दीजिए जी, ताकि हम लोग को पहचानने में जरा सहूलियत हो जाए। जी एक भाई और था, हनुमान प्रसाद, उसे भी इसी मक्का ज्वाला प्रसाद ने कत्ल करवा दिया। कत्ल यकदम? जी, मगर उनकी दो लड़कियां आज भी हिंदुस्तान में न जाने कहां कहां के ख्वाब छानती फिरती होंगी बेचारी। दो लड़की? बंधु वो शशि और स्मृति तो नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल वही। आप लोग उन्हें कैसे जानते हैं? आपने उन्हें कहाँ देखा? भगवान के लिए कुछ तो बताइए, वो हमारे मरहूम भाई की निशानियाँ हैं। घबराइए नहीं, वो दोनों ज्वाला प्रसाद के साथ यहाँ आई हैं। तो ज्वाला प्रसाद यहाँ पहुँच गया? जी हाँ। आने दो, उसे कुछ नहीं मिलेगा। जिस कोर्ट के पीछे वो मारा मारा फिर रहा है उसमें कुछ भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? उससे मैंने दोनों चीजें हासिल की। खत में साफ लिखा हुआ है कि वो नक्शा जिसमें हमारे छिपे हुए खजाने का पता दर्ज है उसका आधा हिस्सा इस कोर्ट में है और आधा आपके पास। जी हाँ, लेकिन जब तक वो आधा मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। आपके छोटे भाई पर शक। आप मायूस न हो मलिक साहब, मुझे यकीन है कि जब बद्री प्रसाद हमारी कैद में है तो हमें हमारा नक्शा जरूर मिल जाएगा। मगर हुजूर, क्या है? कैदी भाग गए। भाग गए? जी हुजूर, और जो नए मेहमान आए थे वो भी भाग गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। दरवाजा बंद हो गया, अब क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये महल नहीं, भूतिया महल मालूम होता है बंदू। शायद ये दूसरा दीवाने खास है। दीवाने क्या हो रहा है?
अब्दुल्लाह या की नमाश। बंधु तुमने वो सुना ये क्या बोल रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ खाने पीने की चीजें मंगा रहे हैं। नमाश ये उल्लू सुपर से कहां से आ रहा है? दो ये खाने पीने की चीजें नहीं नहीं ए? हम लोगों को झूला झुलाने के लिए। ये झूला झुलाएंगे? अबे वो फांसी का फंदा है, नहीं, नहीं। मरने के बाद ही झूलेंगे भैया। कौन सा किशोर तुझे बुला रहे? नहीं नहीं तुझे बुला रहा है। मुझे नहीं यार, तुझे तो इशारा किया ना। आ, तुझे कौन सा बाप इसमें दोनों में से कौन? सोचिए ऐसा क्या कर रहे हैं, किसी जान खामखा ले रहे हैं आप? कौन तुम? मैं आ रहा किशोर, मौत के घड़ी आ गई। जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। अरे क्या नसीब में लिखा है? ये लिखा है, ये जबरदस्ती की मौत है, ये मौत को हमने मोल ली। शायद कोई बात नहीं, जब दोस्ती की है तो मरना भी जरूरी है। ये अचानक मौत है, दोबारा पैदा होने का ज्यादा मौका है। मुझे वचन नहीं बंधु, अगर गलती से भी दोबारा पैदा हो गए तो तुम मेरा दोस्त नहीं बनना। बंधु मेरे भी यही इल्तिजा है। बहुत अच्छी बात है, खुदा हाफिज़। जाओ मेरे भगु मरो खुशी के साथ। दुआए मेरे दोस्त, क्या दुआ मांगना? अच्छा जी, तो आप लोग यहां से चाबी पहले उस फोटो को लटका दो। बंधु ये लोग जान लिए मैं छोड़ने वाले थे, आगे मलिक साहब निकले। मलिक साहब बंधु जल्दी करो यहाँ की नवाज। मलिक साहब उसका तार का किसने नाम लिया? किसने नाम लिया? करके मरो नहीं तो पछताओगे। अच्छा हाँ, क्या करूं? शुरू हो जाए
जाओ, दोनों को खत्म कर दो। खबरदार, गिरफ्तार कर लेने। पुलिस। ठहर जाओ, हाँ भाग रहे हो। खबरदार, स्लीप ले चलिए। चल मोटे। दारोगा साहब, यही है वो नाहंजार जिसने 4 साल तक हमें कैद में रखा, और यह है अपने भाई का कातिल ज्वाला प्रसाद, जिसने इन गरीब और मासूम बच्चियों के चेहरों से इनकी मुस्कुराहटें छीन ली। गिरफ्तार कर लीजिए। जी हाँ, हमें इन्हीं की तलाश थी। यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से भी इनकी गिरफ्तारी का हुक्मनामा जारी हुआ है। आप हिरासत में, ले जाओ इन्हें। सुनिए पति प्रसाद जी, मैंने आपके साथ कोई बेईमानी नहीं की, बल्कि मैं खुद इनके हाथों खिलौना बना हुआ था। लेकिन आज वक्त आया कि मैं आपको आपकी अमानत लौटा दूं। ये रहा आपका आधा नक्शा। ये नक्शा? आप क्या फरमा रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं। आप जानते हैं कि इसके बगैर उस पोशीदा खजाने को आप कभी ना पा सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त। और आज यही नक्शा मेरी बेगुनाही की दलील है। मलिक साहब, लो बेटी, ये अपने अमानत संभालो। जी नहीं चाचा जी, हमारी अमानत तो वो है। आओ बेटी। अरे आप लोग फिर आए हैं। बंधु चाचा कहाँ है? उन्हें तो पुलिस पकड़ के ले गए। अच्छा, ले गए पुलिस पकड़ कर? तो फिर बंधु ये लोग फिर क्यों आए हैं यहाँ पर? जान पड़ता है कोई नई चाल सूझी है। जी नहीं, सब चालें खत्म हो चुकी है। क्या कह रही आप? अरे क्या बात है, तुम पहले को जमाना तेरा है बाबू।